आज हम बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी की रेसिपी देखने वाले हैं। और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने उनसे सीखा था जिनका खुद का एक पाव भाजी का ठेला है। तो अगर आप भी इस तरीके से पाव भाजी को बनाओगे तो आपकी भी जो पाव भाजी है वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि आपको ठेलों पर मिलती है। तो इस पाव भाजी को बनाने के लिए पहले हम इसके लिए एक लहसुन की चटनी रेडी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है और इनको आप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखें। 10 मिनट के बाद आपको इस मिर्च को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक और फिर हम इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो पाए। और बस फिर हमें इस चटनी को अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर आपको ये जानना है कि बिना लहसुन और बिना प्याज के पाव भाजी कैसे बनाई जाती है तो ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो भी रेसिपी ज़रूर लाऊंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो चटनी है ये अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, और क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था इस वजह से इसका जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया आया है। अब इस पाव भाजी को बनाने के लिए हम मार्केट का रेडीमेड पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले, बल्कि हम घर पर ही एकदम ही टेस्टी पाव भाजी मसाला बनाएंगे। और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा टेस्ट आपको मार्केट के रेडीमेड पैकेट्स में मिलता है। और क्या कोई ये देख कर बता सकता है कि इन दोनों में से घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला कौन सा है और मार्केट का रेडीमेड पाव भाजी मसाला कौन सा है? इसका आंसर आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। तो घर पर पाव भाजी मसाला बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है और इसको आप हल्का सा गर्म होने दीजिए, और फिर जब पैन गर्म हो जाए तब आपको इसमें डालना है 4 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। इससे ज़्यादा इन कोरिएंडर सीड्स का इस्तेमाल मत करेगा वरना इसका जो टेस्ट है वो ओवर पावर कर जाएगा, यानी आपका जो पाव भाजी का मसाला है उसमें आपको इसी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और 1/2 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब हमें इसको अच्छे से सेकना है, तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सेकिए, या आपको इसको तब तक सेकना है जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू आने नहीं लगती। इनको हाई फ्लेम पर मत सेकना वरना ये कहीं से जल सकता है और फिर आपके जो पाव भाजी मसाले का टेस्ट है वो भी काफ़ी बिगड़ जाएगा। ये जो पाव भाजी मसाला हम बना रहे हैं इसको बनाने के लिए जो भी खड़े मसाले हमको लगेंगे ये ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होते ही है, और यदि इनमें से 1-2 मसाले आपके पास ना हो तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो अगली बार से मार्केट का रेडीमेड पाव भाजी मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बहुत ही आसानी से इस मसाले को बना सकते हो। और आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज़ देखनी है, छोले का मसाला देखना है या सांभर मसाला देखना है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब ये एक बार अच्छे से सेक जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आप उसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसको आप ठंडा होने दीजिए। अब उसी पैन में आपको लेना है 15 से 20 ड्राई रेड चिलीज यानी कि सूखे लाल मिर्च। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। इससे ज़्यादा काले मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है आपको वरना आपकी जो पाव भाजी मसाले का जो रंग है वो थोड़ा सा काला आएगा। इसी के साथ इसमें जाएगी 2 छोटी दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची जिसको हम काली इलायची भी कहते हैं, 5 से 6 क्लोव्स यानी कि लौंग और 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता को हमें तोड़ कर इसमें ऐड करना है। अब इन सभी को हमें मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए सेकना है। ये जो लाल मिर्च है और बाकी सारे खड़े मसाले हैं इनको सेकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भी अच्छे से सेक जाए तो इसको भी आप प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये सारे खड़े मसाले एक बार ठंडे हो जाए तब आपको इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है। और अब इसी के साथ हमें इसमें कुछ और भी मसाले डालने हैं, तो पहले इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक। अब बस हमें इन सभी चीज़ों को एकदम ही अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका एकदम ही बारीक पाउडर आपको रेडी करना है। चलिए इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब ये जो पाव भाजी मसाला है ये रेडी हो चुका है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका जो कलर है वो भी काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। तो अब इसको देख कर क्या आप ये बता सकते हो कि घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला कौन सा है और मार्केट का रेडीमेड पाव भाजी मसाला कौन सा है? तो जो घर पर हमने पाव भाजी मसाला बनाया हुआ है वो ये लेफ्ट वाला है। चलिए हमारा ये जो पाव भाजी का मसाला है ये तो रेडी हो चुका है, तो अब आपको लेने हैं 4 प्याज, 6 टमाटर और 2 शिमला मिर्च, और इन सभी को आपको एकदम ही बारीक बारीक चॉप करना है। तो इनको फटाफट से बारीक बारीक चॉप करने के लिए मैं ये चॉपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि ये सारे वेजिटेबल्स बहुत ही कम समय के अंदर एकदम ही बारीक बारीक चॉप हो जाएंगे।
अब एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच बटर। बटर के साथ आपको 1 बड़ी चम्मच तेल का भी इस्तेमाल करना है ताकि ये जो बटर है ये जल ना जाए। हो सके तो आप भी इस पाव भाजी की रेसिपी को बटर में ही बनाना। पाव भाजी को बटर में बनाने से वाकई में उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आता है। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 2 बारीक कट किए कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। और इस कैप्सिकम को हम मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। कैप्सिकम को पकाए हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 टमाटर। और इस टमाटर को भी मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इस टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसको फटाफट से सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें इस वक्त थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। और फिर से ढककर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टोमेटो एकदम ही सॉफ्ट होके गल नहीं जाते। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 6 से 7 उबले हुए आलू। और इन आलूओं को हम इस प्रकार से मैश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/2 कप उबले हुए मटर। और बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर एक मैशर की सहायता से हमें इसको अच्छे से मैश करना है। आप चाहो तो इस पाव भाजी में कॉलीफ्लावर, कैरेट और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको वापस टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करना है। इसके पहले जो हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ था वो हमने टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए किया था। चलिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स और मैश कर लिया है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी पैन या फिर कढ़ाई में आपको वापस लेना है 2 बड़ी चम्मच बटर। और इसी में हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल ताकि ये जो बटर है ये जले नहीं। अब आपको लेना है 4 बारीक कट किए प्याज। और इस प्याज को आपको तब तक भुनना है जब तक ये हल्के से सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज जब हल्के से सुनहरे हो जाए तब जो लहसुन की चटनी हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है। तो मैं 2 बड़ी चम्मच इस लहसुन की चटनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये उतना तीखा नहीं होता, इससे बस हमारी जो पाव भाजी का रंग है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब जो पाव भाजी का मसाला हमने बनाया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हमें तकरीबन 1 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल करना है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पहले भी 2 बार नमक का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसलिए बहुत सारा नमक का इस्तेमाल ना करें। अब बस इन सभी मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। इन मसालों को पकाए हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है तो अब जो आलू, मटर, कैप्सिकम और टमाटर का मिश्रण था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर हमें इन दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जिस मिक्सर जार में हमने लहसुन की चटनी बनाई हुई थी उसी मिक्सर जार में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और वही पानी का इस्तेमाल मैं इस पाव भाजी में कर रहा हूँ। इस पाव भाजी को आपको कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है उस अनुसार आप पानी की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। चलिए अब इस पाव भाजी को हमें ढक कर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये जो सारे फ्लेवर्स है ये अच्छे से घुल मिल जाए। 10 मिनट हो चुकी है तो अब आप चाहो तो उसको वापस थोड़ा सा मैश कर सकते हो। अब मैंने 1/2 नींबू लिया हुआ है और इसका हमें जूस इसमें ऐड करना है। और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और आखिर में हमें थोड़ा सा वापस बटर का इस्तेमाल करना है। बटर को आखिर में इस्तेमाल करने से इस पाव भाजी में एक काफ़ी बढ़िया सी चमक आएगी। तो लीजिए ये जो गर्मा गर्म पाव भाजी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। इसके साथ हम थोड़े से मसाला पाव भी बनाएंगे जिनको बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक तवे में लेना है थोड़ा सा बटर और बटर जब मेल्ट होने लगे तब आपको इसमें ऐड करना है बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। और इसी के साथ आपको डालना है थोड़ा सा धनिया। और बस फिर पाव को बीच में से कट करके आपको इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। चलिए हमारे ये जो स्पाइसी मसालेदार पाव है ये भी रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ये जो पाव भाजी हमने बनाई है ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। एक बार अगर आप इस तरीके से इस पाव भाजी को बनाओगे ना तो हर बार आप यही तरीके से पाव भाजी को बनाओगे। चलिए इस भाजी के ऊपर हम वापस थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और फिर हमें इसको थोड़ा सा कोरिएंडर से गार्निश करना है। तो ये हमारी गर्मा गर्म बहुत ही डिलीशियस पाव भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस तरीके से एक बार पाव भाजी को बनाकर ज़रूर देखना, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और ये बनाने में भी एकदम आसान है, खाने में भी एकदम टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको और कौन सी रेसिपी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ये जानना चाहते हो कि तवा पुलाव या फिर मसाला टुकड़ा पाव कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा।